नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वीएम टेक इन्फो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक एपीएस कंपनी के बारे में, जो कि कंपनी बहुत ही ज़्यादा दोस्तों इसमें आपको कमीशन दे रही है, जो कि बाकी जो कंपनियां हैं वो आपको आईडी तो सस्ती दे रहे हैं लेकिन उसमें आपको कमीशन बहुत ही कम देते हैं। लेकिन दोस्तों, ये कंपनी है जो कि आईडी की जो कॉस्ट है वो आपको 1500 रुपये पे करनी पड़ेगी, और लेकिन इस कंपनी के अंदर आपको जो कमीशन है वो बहुत ही ज़्यादा कमीशन मिल रहा है, बहुत अच्छा कमीशन मिल रहा है। इतना कमीशन आपको कोई भी एपीएस कंपनी नहीं देने वाली है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे करूंगा निवेदन कि आपने अभी तक अगर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेंगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जंबो कंपनी है जो एपीएस की है, जंबो सोलो ऑफ डिजिटल लाइफ जंबो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो कि एपीएस की सर्विस आपको देती है। तो इसके अंदर दोस्तों, आपको जो कमीशन मिलने वाला है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा कमीशन मिल रहा है, तो वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। उससे पहले दोस्तों, आपको मैं बता दूंगी इसका डैशबोर्ड किस तरीके का है, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, और साथ ही इसमें कितने वॉलेंट है, क्या क्या वॉलेंट का, ये भी हम जानकारी बताएंगे। साथ ही एपीएस आपको किस तरीके से यूज करना है, डोमेस्टिक मनी कैसे ट्रांसफर होगी, तो सब कुछ आज के इस वीडियो में हम बताते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप आईडी लेने के बाद कुछ इस तरीके का आपका जो इंटरफेस है डैशबोर्ड का आपको मिलेगा। ये आप मोबाइल में और अपने सिस्टम में दोनों में चला सकते हैं। तो दोस्तों, आप अगर सिस्टम में यूज करेंगे तो बहुत ही इजीली और अच्छा भी चलता है, और मोबाइल में भी अच्छा चलता है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको वॉलेट मिलेंगे। टोटल वॉलेट आपको यहाँ पर एक एपीएस और एटीएम का वॉलेट मिल रहा है, और दूसरा यहाँ पर वॉलेट एंड कमीशन आपको वॉलेट मिल रहा है। तो दोस्तों, इसकी पहले वाले की बात करें, यहाँ पर एपीएस एंड एटीएम है, तो इसके अंदर आप जितने भी एम एटीएम से और एपीएस से ट्रांजेक्शन करेंगे वो आपको इस वॉलेट में यहाँ पर दिखाई देंगे। उसके बाद इसकी जितनी भी रकम है वो अगर आप अपने अकाउंट में लेना चाहते हैं तो आपको इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर आपको एपीएस सेटलमेंट का पेज खुल जाएगा, उसमें आपकी बैंक की डिटेल है जो कि आ जाएगी। उसमें आपको दो ऑप्शन यहाँ पर मिलेंगे, एक रिडेम वॉलेट, तो यहाँ से आप एपीएस वॉलेट से आपके जो मेन वॉलेट है उसमें अगर पैसे लेने चाहे तो ये पहले वाला ऑप्शन आप यूज करेंगे, और आप अपने बैंक अकाउंट में अगर पैसे ट्रांसफर करने चाहते हैं तो आप रिडेम बैंक वाला जो ऑप्शन है सेकेंड वाला, इसका उपयोग करेंगे। इसमें अमाउंट डालेंगे और रिडेम आपके जैसे क्लिक करेंगे इंस्टेंट आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे। और यहाँ पर दोस्तों, आप अपने वॉलेट के अंदर 10,000 रुपये एक साथ में ले सकते हैं, और 10-10,000 करके आप अगर मेन वॉलेट में लेना चाहे तो एपीएस में से आप मेन वॉलेट में ले सकते हैं, और बैंक अकाउंट में आप जितने भी चाहो पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। इसका चार्ज आपको केवल 10 रुपये लगेगा। तो ये हो गया एपीएस का। उसके बाद दोस्तों, ये सेकेंड वाला वॉलेट है, इसकी बात करें यहाँ पर आपको दो वॉलेट मिलेंगे। जो एक वॉलेट है जो कि आप डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर करेंगे, तो उसके लिए आपको पैसे इस वॉलेट में होने चाहिए जो कि आप एपीएस से इस वॉलेट में ले सकते हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद आप पर दिन जितना भी काम करेंगे, आपके दिन का जितना कमीशन बनता है, टोटल कमीशन आपको एक अलग वॉलेट आप देख सकते हैं यहाँ पर नीचे 173 रुपये मेरे जो आज का कमीशन है। तो ये इस तरीके से आपका जो कमीशन है वो भी एक अलग वॉलेट में जमा होता रहेगा। जब भी आप इसकी ज्यादा रकम बन जाए तो साथ में आप लेना चाहेंगे, तो ये भी एक अच्छी चीज है कि आपकी कमाई का भी आपको पता लगता है कि एक आपका कितनी आपने कमीशन कमाया है। तो ये हो गया वॉलेट के बाद। अब दोस्तों, यहाँ की सर्विस की बात करते हैं। यहाँ पर आप नीचे आएंगे, आपको सर्विस मिल जाएगी, जिसके अंदर आपको सर्विस में एपीएस मिलेगा सबसे पहले, उसके बाद डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर है, पैन कार्ड भी है, रिचार्ज भी है, बीबीपीएस है, और फास्टैग एक्टिवेशन भी है। तो यहाँ पर एपीएस की बात करें, यहाँ पर आप एपीएस पे जैसे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर प्राइम एपीएस मिल जाएगा, उसके साथ आपको आधार पे नीचे मिल जाएगा, फिर मिनी स्टेटमेंट। दोस्तों, मिनी स्टेटमेंट आप निकालते हैं तो आपको यहाँ पर 1 रुपया मिनी स्टेटमेंट पे भी आपको कमीशन मिलता है। तो एपीएस पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस होगा, जो कि एपीएस से आप मनी ट्रांसफर वगैरह करेंगे वो यहाँ पर होगी। जितने भी आप दिन में ट्रांजेक्शन करेंगे वो यहाँ पर आपको शो होते रहेंगे, तो जो प्रीवियस ट्रांजेक्शन है वो भी आपको पता चला कि कौन आदमी कभी कितने पैसे निकाल के गया, तो ये भी एक बार आपको यहाँ पर शो होता रहेगा जो डैशबोर्ड भी। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं विड्रोल के लिए आपको ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर बैलेंस इंक्वायरी भी आप कर सकते हैं और विड्रोल भी कर सकते हैं। और इसमें आपको बैंक यहाँ से चूज करेंगे, फिर यहाँ पर आप मोबाइल नंबर डालेंगे, फिर आधार नंबर लगाएंगे, उसके बाद यहाँ पर आप अमाउंट डाल के और नीचे आपको इंस्टेंट आप मतलब शॉर्टकट भी आपको मिल जाएगा, 500, 1,000 आप जितनी भी रकम निकालना चाहते हैं वो आप यहाँ से
रकम निकाल सकते हैं। फिर आपको यहाँ नीचे डिवाइस सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा, जैसे कि आपके पास मंत्रा है, मोरपो, स्टारटेक और आयरिस डिवाइस। जी हाँ दोस्तों, इसके अंदर एक फैसिलिटी है जो कि आयरिस डिवाइस की, यानी कि आंखों की मशीन से भी आप यहाँ पर पैसे निकाल सकते हैं। जिन भाइयों के जो बुजुर्ग होते हैं उनके फिंगर जो कि कैप्चर नहीं होते, खराब हो जाते हैं, तो ऐसे केस में आप यहाँ पर आयरिस का उपयोग करके पैसे आसानी से आंखों से भी निकाल सकते हैं। ये फैसिलिटी इसके अंदर एडिशनल है। बाकी कोई कंपनी में आपको आयरिस की फैसिलिटी अभी तक नहीं मिल रही है, लेकिन यहाँ पर जंबो आपको आयरिस की भी फैसिलिटी दे रही है। अब दोस्तों बात करते हैं, यहाँ पर ये एपीएस हो गया, उसके बाद दोस्तों आपको नीचे मिल जाएगा आधार पे। तो दोस्तों आधार पे से आप पे जैसे क्लिक करेंगे तो आधार पे का जो भी ये है आपका डैशबोर्ड है वो भी कुछ इस तरीके से आपको नजर आएगा, और इसके अंदर आप आसानी से अपनी बैंक चूज करेंगे, उसके बाद मोबाइल नंबर, आधार नंबर डाल के आप यहाँ से आधार पे से भी पैसे निकाल सकते हैं। यहाँ पर आपको आधार पे भी 10,000 पे आपको 40 रुपये चार्ज लगेंगे। ये हो गया आधार पे की सर्विस। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर डीएमटी है जो कि बहुत ही अच्छी सर्विस, इसमें कहा जाए दूसरे पोर्टल के मुताबिक यहाँ पर डीएमटी में आपको ज़्यादा झंझट नहीं है। आप डीएमटी क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार के कस्टमर से ओटीपी आपको लेने की आवश्यकता नहीं है। आपको केवल एक बार कस्टमर के मोबाइल नंबर एंटर करने हैं। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, वहाँ कस्टमर की थोड़ी बहुत डिटेल है वो आपको यहाँ पर डाल देने, जैसे कि अभी स्क्रीन पर शो होगी, मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर अभी थोड़ा सा सर्वर है कि डाउन चल रहा है और इस वजह से थोड़ा समय लग गया। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके का इंटरफेस होगा जो कि मनी ट्रांसफर के लिए है। यहाँ पर रिमाइंडर मोबाइल नंबर आपको डालने हैं, जैसे कि कोई भी मनी ट्रांसफर करने के लिए आता है उसके आपको मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर कर लेना है, मोबाइल एंटर कर, और उसके बाद दोस्तों यहाँ ये सभी डीएमटी सर्विस होगी, पैन कार्ड की सर्विस होगी, रिचार्ज आप कर सकते हैं, रिचार्ज पे भी आपको 2.5% तक का कमीशन मिलेगा। और उसके बाद दोस्तों आपको चलिए मैं दिखा देता हूँ कि इसमें कमीशन कितना मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पर लेजर पे आप जैसे क्लिक करेंगे, उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर वॉलेट का पूरा लेजर भी आपको दिखाई देखने को मिल जाएगा और कमीशन लेजर भी आप देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर कमीशन पे क्लिक करके जो आज का कमीशन है मेरे ट्रांजेक्शन का वो आपको मैं बता देता हूँ, ताकि आपको विश्वास हो जाए कि ये कंपनी आपको बहुत अच्छा कमीशन दे रही है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं आज के जो ट्रांजेक्शन है वो भी यहाँ पर शो हो रहे हैं, इसकी प्रोसेसिंग में है और आप देख सकते हैं ये हमारे सामने शो हो चुके हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने 2,000 का ट्रांजेक्शन किया था, तो इस पे हमें 6.04 रुपये मिले, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 4,000 का ट्रांजेक्शन किया तो यहाँ पर हमको 12.80 रुपये मिल चुके हैं। 10,000 के ट्रांजेक्शन में आपको 16 रुपये मिलेंगे और 5,000 के ट्रांजेक्शन पर भी आपको 16 रुपये मिलेंगे। और 2,500 का यहाँ पर मैंने ट्रांजेक्शन किया, आप देख सकते हैं 8 रुपये मिले हैं, 2,000 पे 6 रुपये 40 पैसे, और 20,000 रुपये मैंने डीएमटी की थी जो कि डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर आप किसी के करते हैं तो 20,000 पे आपको 124 रुपये का कमीशन मिल रहा है। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा कमीशन है, और जो कंपनियां कचरे के भाव आपको एपीएस पोर्टल दे रही हैं तो वो जाहिर सी बात है कि आपको कमीशन बहुत ही कम देते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर 2,000 की ट्रांजेक्शन करेंगे तो उस पर आपको बहुत कम कमीशन मिलता है, 4,000 का करेंगे तो भी आपको 3-4 रुपये मिलते हैं, ज़्यादा 10,000 कमीशन पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा 7 रुपये या 8 रुपये ऐसा कुछ कमीशन मिलता है, जो कि बहुत ही कम कमीशन है। दोस्तों इस तरीके से आप देख सकते हैं आज का मेरा जो ट्रांजेक्शन है, मैंने कुल ट्रांजेक्शन 8 ट्रांजेक्शन किए हैं, 8 ट्रांजेक्शन का कुल मिला के यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे को 173 रुपये जो कमीशन मिले हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा कमीशन कहा जा सकता है और अच्छा कमीशन कहा जा सकता है। तो दोस्तों ये आईडी लेने के लिए आपको क्या करना है, जो स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहे हैं उस पर आपको मैसेज करना है और मैं आपको ये आईडी बना के दे दूंगा दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और दोस्तों आपके दोस्तों के साथ इसे शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।